दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टर्मिनेटर फिल्म फ्रेंचाइजी के सभी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताऊंगा। टर्मिनेटर एक ऐसी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म फ्रेंचाइजी है जिसकी शुरुआत हॉलीवुड के विजनरी डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने की थी, जो आज हॉलीवुड की कितनी मशहूर फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है ये बात शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल आर्मी डॉक्यूमेंट्री पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों टर्मिनेटर फिल्म फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आई थी अक्टूबर साल 1984 में, द टर्मिनेटर। यह फिल्म उस दौर के हिसाब से कई गुना बेहतरीन और एक अमेजिंग फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म का बजट था 6.4 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 78.3 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब कि यह फिल्म अपनी लागत से 12 गुना ज्यादा पैसे कमाने में सफल रही थी। इस फिल्म के बाद जुलाई साल 1991 में आई टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। इस फिल्म का बजट था 102 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 521 मिलियन यूएस डॉलर। यह फिल्म उस समय पर सबसे हाई बजट पर बनी फिल्म थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म का टैग भी मिल गया था। साथ ही यह फिल्म साल 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में नंबर 1 पर रही थी। इस फिल्म के पूरे 12 साल बाद जून साल 2003 में आई टर्मिनेटर 3 राइस ऑफ द मशीन्स। इस फिल्म का बजट था 187.3 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 433.4 मिलियन यूएस डॉलर। यह फिल्म भी अपनी पिछली फिल्म की तरह एक हाई बजट पर बनी फिल्म थी, जिसकी वजह से इस फिल्म को भी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म का टैग मिल गया था। मगर यह फिल्म अपनी पिछली फिल्म की तरह कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। टर्मिनेटर 3 फिल्म के बाद मई साल 2009 में इसका सीक्वल आया टर्मिनेटर सल्वेशन। इस फिल्म का बजट था 200 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 371.4 मिलियन यूएस डॉलर। इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले थे और इस फिल्म में हमारे टर्मिनेटर स्टार अर्नोल्ड भी नहीं थे। इस सीक्वल फिल्म के बाद इस सीरीज को बंद कर दिया गया, जिसके बाद फिर से टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी में टर्मिनेटर स्टार अर्नोल्ड की वापसी कराई गई। टर्मिनेटर जेनेसिस फिल्म के साथ जो फिल्म आई थी जून साल 2015 में, इस फिल्म का बजट था 158 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 414.6 मिलियन यूएस डॉलर। इस कमाई के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद इस फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म अक्टूबर साल 2019 में आई टर्मिनेटर डार्क फेथ। इस फिल्म का बजट था 196 मिलियन यूएस डॉलर और इस फिल्म ने कमाए थे 261 मिलियन यूएस डॉलर। इस कमाई के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और प्रोड्यूसर को करीब 130 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ, जिसके चलते इसके फ्यूचर फिल्म्स को बनाने का आइडिया स्टूडियो वालों ने कैंसिल कर दिया। दोस्तों आपका क्या कहना है टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी के बारे में ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।